ओडिशा के कालाहांडी में इंद्रावती डैम में भरा पानी, खोले गए गेट। लगातार बेहिसाब बारिश से मुश्किल, कई इलाकों को डूबने का खतरा। केदार घाटी के सिली घाटी में बारिश ने मचाया कहर, दो मंजिला घर गिरा। केदार घाटी के अगस्त्य मुनि में भी भारी बारिश, दुकानों और घरों में घुसा मलबा। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी ने किया खतरे का निशान पार, कई गाड़ियां तबाह। केरल में बाढ़ का कहर जानलेवा, 14 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, कोल्हापुर समेत कई जिले प्रभावित। कोल्हापुर आने वाले रास्ते बंद, कराड़ में 4 दिन से फंसे हैं ट्रक ड्राइवर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी सैलाब का संकट, निचले इलाकों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भारी बारिश से तबाही, अस्पताल में भरा पानी। कर्नाटक के हुबली पर कृत्रिम बारिश का टूटा कहर, फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। सड़क पर बहते दरिया जैसा मंजर, तेज प्रवाह में ढहा पुल। रिहायशी इलाकों में पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग के घर के गैस के सिलेंडर तक बह चले। कर्नाटक के बेलगावी में दिखी अनोखी तस्वीर, बंद पड़े हेलीकॉप्टर को कार की तरह धक्का मारते नजर आए लोग। सैलाब प्रभावित इलाके में रेस्क्यू मिशन के लिए पहुंचा था हेलीकॉप्टर, लेकिन खराबी आने पर बेलारी में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, इसी दौरान धक्का मारने की आई नौबत। नर्मदा डैम का गेट खोले जाने के बाद भरूच पर बढ़ा बाढ़ का संकट, निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। केरल के कन्नूर में कल से भारी बारिश, बाकी हिस्सों से कटा संपर्क। चमोली के घुड़साल और मालधार में भारी बारिश, पानी में बह गए कई घर। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी उफान पर, डैम में भरा पानी। कर्नाटक के शिवमोगा में तुंगा नदी का पानी आया शहर में, गलियों में भरा पानी। तमिलनाडु के पालक्कड़ से सटे इलाके में सैलाब से भारी नुकसान, वेलापराई में हर तरफ पानी ही पानी। मंडी में भूस्खलन की मुसीबत, NH3 पर एक बड़े पत्थर की चपेट में आई फराटा भरती जीप। किन्नौर में फटा बादल, 4 बिजली परियोजनाओं पर पड़ा असर। असम के तेजपुर में सुखोई 30 फाइटर प्लेन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, आग के गोले में तब्दील हुआ विमान। हादसे के वक्त ट्रेनिंग मिशन पर था सुखोई 30, विमान में मौजूद 2 पायलट्स ने कूद कर मचाई जान। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची समझौता एक्सप्रेस, कल सरहद पार कर रोकी थी ट्रेन। पाकिस्तान ने अपने ट्रेन ड्राइवर और गार्ड को समझौता एक्सप्रेस के साथ भेजने से किया इनकार, कहा सुरक्षा कारणों से फैसला। अटारी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, अमृतसर लाहौर श्री ननकाना साहिब रूट पर बस जा रही है खाली। पाकिस्तान के ननकाना साहिब से भी कोई सवारी नहीं आ रही भारत, ना काउंटर पर है लोग और ना ही ऑनलाइन बुकिंग। मेरठ में अब सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, शहर काजी के साथ पुलिस की बैठक में फैसला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ट्वीट, पूर्वोत्तर राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत मिले अधिकारों से नहीं होगी कोई छेड़छाड़। जम्मू कश्मीर के कठुआ में छात्रों ने किया अनुच्छेद 370 हटाने का स्वागत, कॉलेज गेट पर फहराया तिरंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने घाटी में तैनात जवानों के लिए 300 फोन को दी मंजूरी, घर का ले सकेंगे हाल। घाटी में अधिकारियों के लिए 1000 फोन चालू, मोबाइल इंटरनेट अब भी बंद। स्थानीय लोगों के लिए डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर में है 2 फोन, घाटी से बाहर कर सकते हैं यहां बात। जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच धारा 144 का आज 5वां दिन, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हालात की जानकारी ली। श्रीनगर में अब भी भारी सुरक्षा बंदोबस्त, शुक्रवार की नमाज को देखते हुए सख्ती। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, उधमपुर में आज खुल गए स्कूल। सांबा में भी आज सरकारी संस्थान और स्कूल खुले, सामान्य हो रहे हालात। कश्मीर की जेल में बंद पाकिस्तान समर्थक 70 आतंकियों और अलगाववादियों को लाया गया यूपी, आगरा जेल में किए गए ट्रांसफर। सभी आतंकवादियों को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच एयरफोर्स के विमान से लाया गया। जम्मू में पैंथर्स पार्टी के संरक्षक भीम सिंह को दफ्तर में किया गया नजरबंद। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा को दी गई हिदायत, राजनीतिक बैठकों और मेल मुलाकातों से बरतें दूरी। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का आरोप, भीम सिंह के साथ हुए बर्ताव के बाद कौन नेता जाना चाहेगा दफ्तर। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला अभी घर में है नजरबंद, कई और नेताओं को भी हाउस अरेस्ट किया गया। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी आज जाना चाहते हैं श्रीनगर, राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मांगी इजाजत। अनुच्छेद 370 को खत्म करने जम्मू कश्मीर में अब मोदी सरकार दूसरी बड़ी रणनीति की तैयारी में, विधानसभा सीटों के परिसीमन का इरादा। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर स्पष्ट किए इरादे, जल्द परिसीमन आयोग बनाने की संभावना।
नया परिसीमन आयोग केंद्र शासित जम्मू कश्मीर का फिर से तैयार करेगा चुनावी नक्शा। बीजेपी नेताओं ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन की मांग की। करगिल में हालात तनावपूर्ण, अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के ऐलान के बाद कड़ा पहरा। करगिल में चप्पे चप्पे पर कटीले तारों के साथ आईटीबीपी और पुलिस टीम की तैनाती। बाजार बंद, कर्फ्यू जैसे हैं हालात। अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पाने से परेशान हैं लोग। राजमार्ग बंद होने से भी दिक्कत। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से अब तक जारी है जश्न का दौर। संसद में अनुच्छेद 370 के जिस दिन समापन का हो रहा था ऐलान, उसी वक्त अयोध्या में कश्मीरी युवक की हो रही थी शादी। कर्नाटक के बेलगाम में रेस्क्यू मिशन में जुटे हैं 3 हेलीकॉप्टर। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में टूटा सैलाब का कहर, नदी की कटान से सैलाब में समाई पार्क की मूर्तियां। नदी के तेज प्रवाह में हाथी की प्रतिमा पहले आधी हुई, फिर पूरी टूटकर नदी में समा गई। सैलाब ने किसी को नहीं बख्शा, शांति दूत गौतम बुद्ध की प्रतिमा कटान के चलते अधर में लटक गई। आधी रात को नर्मदा डैम से छोड़ा गया 6 लाख क्यूसेक पानी। नर्मदा भरूच वडोदरा में बढ़ा सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। अकोला में अचानक चंद्रिका नदी में आई बाढ़ की वजह से फंसे मध्य प्रदेश के 27 मजदूर, एक एक कर सभी को पार कराया गया दरिया। चंद्रिका नदी के बीच तेज प्रवाह को देखकर निकाली तरकीब, कंधे पर लेकर साथियों के पास फेंके गए लोग। ये सभी मजदूर वृक्षारोपण कार्यक्रम में जुटे थे, इसी बीच दरिया में आ गया उफान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सैलाब का कहर जारी, रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ ने अब तक 3500 लोगों को बचाया। बुजुर्ग महिलाओं को गोद में उठाकर लाते दिखे एनडीआरएफ के जवान, सावधानी के साथ कराया दरिया पार। कश्मीर में बड़े बदलाव के बाद पहली बार पीएम मोदी ने राष्ट्र को दिया संदेश, कहा पूरा हुआ पटेल अंबेडकर और वाजपेयी का सपना। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। धारा 370 हटाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को दिलाया भरोसा, कहा दूर हो गई विकास के रास्ते की बाधा। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर भी बोले पीएम, कहा सोच समझ कर लिया है फैसला। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 300 हटाने के साथ ही अभी कुछ कालखंड के लिए, और मैं बताता हूं कुछ कालखंड के लिए, जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी ने दिलाया भरोसा, कहा लोगों के बीच से चुना जाएगा जनप्रतिनिधि। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को घेरा, कहा दशकों के परिवारवाद ने राज्य के युवाओं को नहीं दिया प्रतिनिधित्व का मौका। साथियों, दशकों के परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर के मेरे युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया। पीएम मोदी ने दिया जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने का भरोसा, बोले विकास होगा तो बदलेंगे हालात। प्रधानमंत्री ने खींचा जम्मू कश्मीर के विकास का खाका, कहा प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को किया जाएगा प्रोत्साहित। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान का गृह जनपद आजमगढ़ में हुआ भव्य स्वागत, अनुच्छेद 370 हटाने पर बोले विरोध कराना विपक्षी दलों का काम है। अयोध्या विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, आज सुनवाई का 4th दिन। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 5 दिन सुनवाई का किया विरोध, कहा दस्तावेज पढ़ने में लगता है वक्त। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सप्ताह में 5 दिन सुनवाई से संत समाज उत्साहित, नवंबर तक फैसले की कर रहा है उम्मीद। बेंगलुरु में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, खाद्य समस्या का उठाया मुद्दा। लुधियाना में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 4 अफसरों पर दर्ज कराया मुकदमा, प्रदूषित पानी दरिया में गिराने का मामला। 22 जुलाई को वाराणसी के सारनाथ में हुई कारोबारी की हत्या के केस में सामने आया सीसीटीवी वीडियो, 2 आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में मेघालय की नाबालिग लड़की से गैंग रेप, 4 युवकों पर है आरोप। अगरतला में वीएचपी ने उठाया बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा का मुद्दा, पीएम शेख हसीना से हस्तक्षेप की मांग। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का किया पर्दाफाश, कुछ चैनल की फ्रीक्वेंसी हैक कर दिखाता था अश्लील वीडियो।
कानून बनाए जाने के बाद भी नहीं थम रहा तलाक। यूपी के बरेली में तीन घटनाएं सामने आई। बरेली में थाने में सड़क पर और फोन पर तीन मुस्लिम महिलाओं को दिया गया तलाक, पुलिस ने FIR दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने 8 साल के अगवा मासूम की हत्या के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में महिला की रेप के बाद हत्या का आरोप, बरपा हंगामा। वाराणसी में शराबियों की आई शामत, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते 628 शराबियों को पुलिस ने पकड़कर कराई परेड।